अक्सर देखा जाता है ना, बच्चे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अटक जाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एक ऐसा टर्म है जो सिक्स सेवन्थ एट्थ हर क्लास में आता है अगर मैथ्स पढ़ रहे हो तो। लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में एरर कहाँ हो जाता है जी? याद तो सब लोग किए कि नहीं, करने का तरीका कहाँ है, लेकिन गलती कहाँ करते हैं, आज देखेंगे जेन्युइन मेथड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का। आज की वीडियो में छोटा वीडियो है, क्विक वीडियो है, लेकिन आपको कंटेंट पूरा दिया जाएगा, छोटे क्लास में देखिए। आपने अक्सर सुना होगा कि अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हो तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे और a का मल्टीप्लाई होगा d में और b का मल्टीप्लाई c होगा। तो बच्चे देखिए, अब पहली बात, आप a का मल्टीप्लाई d कराइएगा, इक्वल मिलेगा b मल्टीप्लाई c, a मिलेगा। लेकिन आप अगर b का c में पहले करा दे रहे हैं b इंटू c, तब भी आपको a इंटू d मिलेगा, इसमें कोई संदेह या डाउट नहीं है। लेकिन एरर कहाँ होता है? सर a तो हमारा रूल है करने का, a तो हमारा है रूल, तो एरर कहां कर जाते हैं बच्चे, क्यों हो जाती है उनसे भूल, क्यों करते हैं गलती इक्वेशन सॉल्व करते वक्त? एक एग्जांपल लेंगे, फिर आपकी गलती को सॉर्ट आउट करेंगे। थोड़ा सा एक बात ध्यान से समझना और मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूं या नहीं। देखो एक बात देखो बच्चे, अगर a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी हुआ तो क्या लिमिटेशन है, क्या कंडीशन है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के, समझ लीजिए। अगर d टोटल के अपॉन है तभी यहां मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि डिवाइड होगा टोटल के अपॉन तब। अगर टोटल में डिवाइड है तभी मल्टीप्लाई करिएगा, अगर कुछ में डिवाइड है कुछ में नहीं है तो हम बी को भेज नहीं सकते। जैसा एग्जांपल में मैं अभी दिखा रहा हूं आपको, एक्स बाई थ्री इक्वल टू एक्स बाई फोर प्लस टू। अब आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या फोर को यहां मल्टीप्लाई करा सकते हैं? देखो थ्री का यहां टोटल क्या अपॉन है, थ्री का करा सकते हो, लेकिन फोर को अगर भेजना चाहो इस तरफ तो नहीं भेज सकते। क्यों? क्योंकि फोर जो है ना हमारा सिर्फ एक्स के अपॉन में है, सिर्फ x के अपॉन में है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन मिल जाए हमें जो x के अपॉन में सिर्फ है तो हम पहले क्या करें, एक क्वेश्चन अराइज होता है यहां पर। तो ऐसे केस में दूसरे पॉट में मान लीजिए पहला वन है अपॉन में, तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, फोर और वन का एलसीएम फोर आ जाएगा, फोर वन जा फोर है तो एक्स वन जा वन हो जाएगा, एक्स हो जाएगा वन, फोर जा तो टू, फोर जा एट हो जाएगा। अब आप देखिए यहां पर फोर टोटल अपॉन है, यहां पर थ्री टोटल अपॉन है, अब आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा सकते हैं, अब आप करा सकते हैं। यहां पर देखिए नहीं हो सकता था, तो बच्चे आप ये बात याद रखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल बहुत आसान है, ए का मल्टीप्लाई डी में, बी का मल्टीप्लाई सी में। लेकिन क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा जाए? तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का लिमिटेशन क्या है, टोटल के अपॉन होगा तभी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर टोटल के अपॉन नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। तो बच्चे आज की उम्मीद यही है कि आज की क्लास में आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन समझ पाए हैं। बहुत छोटा क्लिप है कि आप अच्छे तरीके से छोटे से टर्म में, छोटे से वे में आप चीजों को समझ सकें। थैंक यू सो मच।